नागपुर महाराष्ट्र। नेता हो तो नितिन गडकरी जैसा। मैं निजाम सावारसी विश्व गुरु वारिस की परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा विषय आध्यात्म है। जिस सेवा भाव से महान नेता श्री मान नितिन गडकरी दरगाह हजरत बाबा ताजुद्दीन से जुड़े हुए हैं, उनके सेवा भाव की जितनी सराहना की जाए कम है। उनकी सेवाएं मानवता वादियों के लिए प्रेरणादायक है। वह जाति धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सेवा के लिए समर्पित हैं। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बाबा जी की कृपा उन पर सदा बनी रहे, वह सदा फले और फूले। YouTube पर श्रीमान नितिन गडकरी के बयान को सुना, मुझको प्रेरणा मिली। मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है, जो मेरा कैरियर है वह आध्यात्मिक है। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नेता ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ से हटकर ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। हम मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसलिए उसी पृष्ठभूमि में हमको सेवा भाव करना चाहिए, हमको सेवा भाव से रहना चाहिए। मानवता मानव की पहचान है। मानव को आत्मा में स्थित, मन को आत्मा में स्थित होने से मानवता की प्राप्ति होती है। मन इंद्रिय एवं बुद्धि का स्वामी है। मन को गुरु के ध्यान में लगाने की आवश्यकता है। गुरु के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वाले ही गुरु का ध्यान करते हैं। वही गुरु के पदचिन्ह पर चलते हैं जो गुरु की जीवन शैली व पद्धति का अनुसरण करते हैं। जिसने स्वयं को पहचाना नहीं है वह भ्रम में फंसा हुआ है। जिसने स्वयं को पहचाना उसके अंदर से भ्रम मिट गया। अवगट बाजे राम के बाजे सुन लो, शीश दू झुकाओ, आसन मारो, शब्द को साधो, मन से ध्यान लगाओ। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, वह सुगुल जो हर मशरब और हर तबका के लिए, हर तबका के फकीर के वास्ते लाजमी है और जो इंसान को राज मख्फी से आगाह करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता है वह सुल्तानुल अज़कार है। सुल्तानुल अज़कार को अनहदनाद कहते हैं। अनहदनाद का ध्यान स्वधर्मी करते हैं। स्वधर्मी पूजा पाठ इबादत कर्मकांड करते हैं। सर्वधर्मी पूजा पाठ इबादत कर्मकांड करते हैं जो कर्म इंद्रियों के माध्यम से किया जाए, मगर आस्था और श्रद्धा के साथ किया जाए। स्वधर्मी स्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्व आत्मा है, आत्मा स्वलोक की वासी है। जो मृत लोक में आकर शरीर के बंधनों में फंस गई,
इंसान को मुक्ति दिलाने के लिए ही गुरु जो है आते रहे। गुरु पद सर्वश्रेष्ठ पद है। इस पद पर आसीन रहने वाला वही है जिसकी सूरत ब्रह्म ज्योति से ज्योतिर्मय है। इस गुरुवारी ने फरमाया ब्रह्म पहचानो, और फरमाया जो रब है वही राम है, और फरमाया जो मस्जिद में है वही मंदिर में है, सिर्फ नाम का फर्क है, और फरमाया खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छिपकर सबको धोखे में डाल रखा है, बस एक सूरत को पकड़ लो खुदा मिल जाएगा, और फरमाया मजूसी ईसाई सब मजहब वाले बराबर हैं, कोई बुरा नहीं है क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमा नागपुर की धरती को सुशोभित किया, जबकि विश्व गुरु वारिस ने विश्व की धरती को सुशोभित किया। देवा शरीफ की धरती विश्व गुरु वारिस के चरणों से धन्य है। जहां आपका मजार शरीफ है वह धरती कौमी एकता सद्भाव एवं प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, मगर वहां धरातल पर कुछ और हो रहा है। वहां से जो रब है वही राम का संदेश विश्व में जाना चाहिए। इनसे प्रेरणा वही पाते हैं जो सत्य के खोजी हैं। प्रेम संदेश केवल मौखिक और लिखित नहीं होना चाहिए, यह जनमानस के हृदय की चीज है, और हृदय में प्रेम के दीप जलने चाहिए। जब प्रेम के दीप जलते हैं तो उस जोश से जन जन के दिल प्रकाशित होते हैं, तो धरातल पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। कोई चीज किताबों में या भाषणों में है और धरातल पर नहीं आती है तो अधूरी है। जब तक जन जन के हृदय में प्रेम रूपी दीप नहीं जलते तब तक सब काम अधूरा है। प्रेम की धारा सर्वत्र प्रवाहित होनी चाहिए। या वारिस, या वारिस, या वारिस।